नमस्कार दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा या विजयदशमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाने का विधान है। दुर्गा पूजा के 10वें दिन मनाए जाने वाली विजयदशमी अभिमान, अत्याचार एवं बुराई पर सत्य, धर्म और अच्छाई की विजय का प्रतीक है। भगवान श्री राम ने अधर्म, अत्याचार और अन्याय के प्रति रावण का वध करके पृथ्वीवासियों को भयमुक्त किया था और देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर का वध करके धर्म और सत्य की रक्षा की थी। इस दिन भगवान राम ने दुर्गा जी, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और हनुमान जी की आराधना करके सभी के लिए मंगल की कामना की जाती है। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विजयदशमी पर रामायण पाठ, श्री राम रक्षा स्रोत, सुंदरकांड आदि का पाठ किया जाना शुभ माना जाता है। विजयदशमी सर्वसिद्ध दायक तिथि है, इसलिए इस दिन को सभी शुभ कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस दिन बच्चों का अक्षर लेखन, दुकान या घर का निर्माण, गृह प्रवेश, मुंडन, अन्नप्राशन, नामकरण, कर्ण छेदन, यज्ञोपवीत, संस्कार, भूमि पूजन आदि शुभ कार्य किए जा सकते हैं, परंतु विजयदशमी के दिन विवाह संस्कार को निषेध माना गया है। मान्यता है कि इस दिन जो कार्य शुरू किया जाता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। यही वजह है कि प्राचीन काल में राजा इसी दिन विजय की कामना से रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं, रामलीला का आयोजन होता है और रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे बुराई के प्रतीक के रूप में जलाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने शमी के पेड़ के ऊपर अपने अस्त्र शस्त्र छिपाए थे, जिसके बाद युद्ध में उन्होंने कौरवों पर जीत हासिल की थी। इसी दिन घर की पूर्व दिशा में शमी की टहनी प्रतिष्ठित करके उसका विधिपूर्वक पूजन करने से घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और एवं इस वृक्ष की पूजा करने से शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ दहन के पश्चात पान का बीड़ा खाना सत्य की जीत की खुशी को व्यक्त करता है। इस दिन हनुमान जी को मीठी बूंदी का भोग लगाने के बाद उन्हें पान अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेने का महत्व है। विजयदशमी पर पान खाना, खिलाना मान सम्मान, प्रेम एवं विजय का सूचक माना जाता है। लंकापति रावण पर विजय पाने की कामना से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पहले नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए थे। नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का प्रतिनिधि माना गया है। दशहरे के दिन नीलकंठ के दर्शन और भगवान शिव से शुभ फल की कामना करने से जीवन में भाग्योदय, धन धान्य एवं सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, ये थी विजयदशमी से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट 9 स्पेशल से रजत की रिपोर्ट।